तो हमारा पहला अपडेट है स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 से लेकर, तो इसका न्यू प्रमोशनल वीडियो बाहर आ चुका है। और आपको बताना चाहूंगा कि स्पाई एक्स फैमिली का जो सीजन 2 है ये आने वाला है नेटफ्लिक्स पर 7 अक्टूबर को। हमारा अगला अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर, तो कार्टून नेटवर्क इंडिया पर 23 सितंबर को ड्रैगन बॉल जी की मूवी आने वाली है ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैयन, और ये आने वाली है 3 बजे। हमारा अगला अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर, तो यार 30 सितंबर को रात के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक कार्टून शो यहाँ पर शो हो रहा है जिसका नाम है माका एंड रोनी। आई डोंट नो कि ये न्यू शो है या ओल्ड शो है, आपको क्या लगता है? अगर आपने ये शो आज से पहले कभी देखा है कार्टून नेटवर्क इंडिया पर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये न्यू शो है या ओल्ड शो है। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन के मांगा से लेकर, तो जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 236 में गोजो मर जाता है, और तब से ही यार फैंस बहुत ही ज्यादा निराश है। कुछ लोग तो यार धमकी दे रहे हैं इसके राइटर को कि तूने ऐसा क्यों किया, और ऐसा लीक्स बाहर आए हैं कि शायद से आने वाले चैप्टर में गोजो वापस से जिंदा हो जाएगा। अब कैसे जिंदा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसे यार लीक्स बाहर आए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। हमारा नेक्स्ट अपडेट है डिज्नी प्लस हॉटस्टार से लेकर, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एलिमेंटल का जो मूवी है इसको यार सबसे ज़्यादा देखा गया है। क्या आपने अभी तक इस मूवी को देखा है या नहीं देखा है कमेंट में जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है मोसोको टेंसाई सीजन 2 से लेकर, तो ये रिटर्न होने वाला है अप्रैल 2024 में। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल से लेकर, तो एक सर्वे के अनुसार वर्ल्ड में 82% लोग ड्रैगन बॉल को अपनी भाषा में देखना पसंद करते हैं जापानीज डब के अलावा। हमारा अगला अपडेट है नागपुर कॉस्कॉन इवेंट से लेकर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये इवेंट हो रहा है यहाँ पे गोकू के हिंदी वॉइस एक्टर अंकुर जावेरी सर आने वाले हैं, और साथ ही में लूफी के हिंदी वॉइस एक्टर वेवा ठक्कर भी वहाँ पर आएंगे। हमारा अगला अपडेट है जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड से लेकर, और अब इसका एपिसोड 9 स्ट्रीम हो रहा है, और इस एपिसोड का नाम है ट्री हाउस ऑफ द डेड। हमारा अगला अपडेट है बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज से लेकर, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 16 सितंबर को शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के हिंदी डब एपिसोड्स आए थे, और ये वही डब थे जो कि 2003 के टाइम जी टीवी पर आते थे। तो वही बेहतरीन डबिंग हमें कार्टून नेटवर्क इंडिया पर देखने को मिली थी 16 सितंबर को, और उसे देखने के बाद लोग यार वेट करने लगे नेक्स्ट वीक शनिवार को भी कि वो बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज देखेंगे, लेकिन उस दिन वो आया ही नहीं, और इसका जो कारण है वो पता चल गया है। तो यार बहुत लोग कह रहे हैं कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने स्कैम किया है, खुद मैं भी यही कह रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ भी स्कैम नहीं है, धोखा वोखा कुछ नहीं दिया है। हुआ ये था कि 16 सितंबर को बैटमैन डे था, तो इसी के सुनहरे मौके पर कार्टून नेटवर्क इंडिया ने बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज को दिखाया था। हमारा अगला अपडेट है किंगडम एनिमे से लेकर, तो इसका सीजन 2 ब्रॉडकास्ट होने वाला है 6 जनवरी को, और इसका न्यू की विजुअल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा अगला अपडेट है विनलैंड सागा सीजन 1 से लेकर, तो इसका जो हिंदी डबिंग है वो प्रोग्रेस में है, और ये आने वाला है क्रंची रोल पर। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है अपकमिंग टॉप 5 हिंदी डब एनिमे से लेकर, जो कि इस साल तक शायद आ जाएंगे, जिसमें पहला एनिमे का नाम है वन पीस एनिमे, जो कि हिंदी डब के साथ आने वाला है नवंबर में, और कौन से चैनल पे आएगा ये तो अभी तक यार डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन शायद से वो सोनी पर आ सकता है। जो दूसरा एनिमे है वो है नारुतो शिपुडेन, जिसका हिंदी डब तो यार कंफर्म हो चुका है, जो कि आने वाला है सोनी ये पर, और वो भी शायद इसी साल के एंड तक आ जाएगा। जो तीसरा एनिमे है वो है स्पाई एक्स फैमिली, जो कि हिंदी डब के साथ आने वाला है म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। और जो चौथा एनिमे है उसका नाम है टोक्यो रिवेंजर्स, जो कि हिंदी डब के साथ आने वाला है क्रंची रोल इंडिया पर। और जो पांचवा एनिमे है वो आने वाला है कार्टून नेटवर्क इंडिया पर, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जीटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हाँ जाने से पहले मैंने जो यार ये वीडियो बनाया था नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब के ऊपर, तो क्या ये आपने वीडियो देख लिया है? और अगर देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो मैंने कास्ट यार चूज किया है इन न्यू कैरेक्टर्स के लिए वो आपको कैसा लगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पर मिल जाएगा, या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो जाइए और इन्जॉय कीजिए।